अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मैं ब्लॉग यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। वीडियो स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। तो आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, सब दोस्त जा रहे हैं पैदल। तो इनमें से बाज़ ने कहा है कि मोटरसाइकिल पर चलते हैं, किसी ने कहा नहीं पैदल चलते हैं, किसी ने कहा पेट्रोल महंगा है, पैदल ही ठीक है। यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर दरिया है, वहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ मछली पकड़ेंगे। जाल हमारे पास है, जाल लगा के। तो गन्ने भी खा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, सब जा रहे हैं। शॉर्टकट रास्ते से हम जा रहे हैं। तो अभी वहाँ जाके हम आपको दिखाते हैं, तो चलते हैं वहाँ। तो फाइनली हम दरिया के करीब पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं। वन के करीब हम पहुँच गए हैं, ये वन है, ये सारे पत्थर लगे हुए हैं इधर। ये हम पहुंच गए हैं दरिया पे। ये यहाँ एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, इसमें हम मछली पकड़ेंगे, इसमें जाल लगाएंगे। ये देखें, जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो ये जाल सीधी कर रहे हैं। एक बंदा अंदर चला गया है पानी के, दूसरा अभी जा रहा है। वो डर रहा है कि मैं नहीं जाता, उसको ये ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, धक्के दे रहे हैं कि जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम। वो कह रहा नहीं, मुझे डर लगता है, पता नहीं पानी कितना गहरा है कितना नहीं है। ये जो साथ खड़े हैं ये उसको तसल्लियाँ दे रहे हैं, नहीं यार वो गया हुआ है, इतना पानी गहरा नहीं है, आप जाओ। तो वो पहुँच गया, अभी भी वो डर रहा है, इस तरह हरकतें कर रहे हैं ना। तो देखते हैं अभी कि मछलियां पकड़ते भी हैं कि नहीं। ये अभी शुरुआत कर रहे हैं। वो अभी भी जाल को खींच रहा है। अभी ये शुरू हो गए हैं, या आप देख सकते हैं जाल वो लेके जा रहे हैं, चल रहे हैं आस्ता आस्ता, दोनों सिरों को पकड़ा हुआ है दोनों ने। देखें ये अभी ये जाल सीधा कर रहे हैं, देखते हैं पता नहीं कुछ आया भी है कि नहीं आया। देखते हैं, मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं आया। ये अभी इसमें कुछ नहीं है, दूसरी साइड पे ये जा रहे हैं, अभी यहाँ कुछ भी नहीं आया। एक साइड इन्होंने लगाई है, उसमें कुछ भी नहीं लगा, अभी ये दूसरी साइड पे जा रहे हैं, उधर पता नहीं कुछ लगता है कि नहीं लगता। ओ फाइनली ये देखें, बहुत ही छोटे छोटे पूंगे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं ये, तो यही लगे हैं अभी। ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं ये। ये देखें व्यूअर्स, अभी रोटी का टाइम हो गया, इनको ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ये कह रहे थे कि हमें भूख लगी है, रोटी खानी है, अभी ये रोटी खा रहे हैं।
हम दो तीन जगह पे गए हैं, यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे जो हमने आपको दिखाए यही लगे हैं, इससे बड़े नहीं थे। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 10-12 दिन बाद ये रेडी हो जाएंगे पकड़ने के और पकाने के काबिल हो जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे पकड़ने के लिए। फ़िलहाल यही थे, हम दो तीन तालाब में गए हैं जो छोटे छोटे पानी जहाँ खड़ा हुआ था वहाँ पे, तो यही थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।